गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भैया ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, काम वाम कर रहे थे। और भाई कल का दिन देखो कितना गंदा था, ये देख लो उंगली की हालत। उंगली, एक ये उंगली कटी पड़ी है, दूसरी ये उंगली कटी पड़ी है, और ये देखो बिल्लियाँ, ये बिल्ली और ये बिलऊ, ये चूहा, चूहा बिलऊ है, बिलऊ चूहा बिलऊ है, बड़ा गंदा बिलऊ है ये, है बिलऊ। नाटक करते शाले, ट्यूशन जाएगा आज? क्यों? दिया दीदी नहीं जाएगी। अच्छा, दिया दीदी नहीं जाएगी इसलिए तू भी नहीं जाएगा? हाँ। और दिया पढ़ेगी नहीं, तू भी नहीं पढ़ेगा? हाँ। तू भी स्कूल छोड़ देगा, देखिए इधर, सच्ची ना? वही दिया दीदी करेगी, वही तू करेगा, है ना सामी? आप भी ऐसे करते हो क्या? नहीं, मैं तो ट्यूशन जाती हूँ। ये देख, बता बेइज्जती करवा रहा है यार ऋषभ, है? कभी कभार नहीं जाती जब उसके, मुझे सुबह सुबह जाना पड़ता 9:30 बजे। तो आप लोगों को बताता हूँ, कल भाई मैच देखने इतना मजा आया मैच के अंदर जिसकी कोई हद नहीं। और यार अभी ना सीरियसली बताओ, लाइट नहीं है 2-2.5 घंटे, बिकॉज आज है ना ये पेड़ जो जितने भी पेड़ वगैरह जो तारों के ऊपर थे ना, इलेक्ट्रिसिटी इन वाली वायर्स के ऊपर थे, आज उनको काटा जा रहा है। बिकॉज दिवाली से पहले एक बार जो JVVNL है, जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड, वो क्लीन करता है सारे पेड़ों को, मतलब छटाई करता है, तो तारों पे से पेड़ों को हटाता है, तो अभी वो काम चल रहा है। इस वजह से आज उसने लाइट बंद कर दी। और भाई गर्मी इतनी गंदी हो रखी है पहले ही, और ऊपर से लाइट और नहीं है, तो भैया आज तो गर्मी में मरने वाला सीन हो रखा है। और यार आज एक इवेंट और है, अगर उसके पासेस मिलते हैं तो चलेंगे, नहीं मिलते तो फिर देखा जाएगा। बट ये है कि यार पासेस मिलता है तो मज़ा आ जाएगा। कल मैच देखने गए थे, आज लाइव कॉन्सर्ट वाला एक इवेंट है तो उसमें भी मज़ा आ जाएगा। बट यार सीरियसली बताओ ना, तो बाहर ये जो धूप हो रखी है ना, मौसम ऐसा क्लियर क्लियर सा है, और ऐसी धूप के अंदर है ना भाई, सीरे से बताओ बाहर निकलने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती, मन करता घर के अंदर ही बैठे रहो। बट गर्मी इतनी तेज़ है ना कि उसका भी कुछ नहीं कर सकते, तो अभी देखते हैं क्या रहता है। थोड़ा जो भी रहेगा अच्छा ही रहेगा, इतना तो मुझे पता है। हाँ तो अब देख लो भैया कि कौन फूल तोड़ता है। क्यों तोड़ रहा है ये फूल? मैं तोड़ रही हूं, उगेंगे नहीं। क्यों तोड़ रहा है? वो उगेंगे नहीं ऋषभ, है ना शैतान खरगोश। ले ले, क्या कर रहे थे तुम अंदर? हम कुछ नहीं, चलो फिर खेलो जाओ, चलो खेलो। तो भैया आज घर में क्या बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, एक तो आया दिल्ली से और 2 आया जयपुर से, तो अब 4 बच्चे हो गए अंदर, और 4 बच्चे आतंक मचा रहे हैं बढ़िया वाले। और मैं लाया हूँ, मेरे को क्या है, चाय पीनी थी, तो और आजकल क्या अपन नॉर्मल बिस्किट नहीं खा रहे, ओट्स वाले ले रहे हैं, बिकॉज ओट्स वाले यार सही भी रहते हैं और अच्छा भी, फ्लेवर्ड भी थोड़ा अच्छा होता है, तो बस इसलिए मैंने ओट्स वाले बिस्किट लाया हूँ। और यार मैं इसलिए आज पूरे दिन मतलब सीरियसली बताऊँ, एक तो इस हाथ में लग गई, एक हाथ लग गई और एक पाँव में लग गई, 3-4 जगह लग चुकी है ना, तो ऐसी हालत हो रही है ना भाई, मैं दर्द के मारे ना आज पूरे दिन सोया और कुछ भी नहीं था। और यार एक ये खड़े 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 ये चल रही होगी, पीछे साउंड आ ही रहा होगा भाई, पीछे मशीन चल रही है, एक इसने सिर्फ बुखार रखा है भाई बहुत गंदे वाला। तो भाई जब तक ये काम चलेगा ना, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता, तो जब तक तो थोड़ा बहुत अपन ब्लॉग शूट करेंगे घर पर। बाकी तो आज एक बुलेट आई है अपने घर पर ये खड़ी, इसका ट्रायल लेंगे। तो अभी मोसा जी के पास में है चाबी, तो मोसा जी से चाबी लेते हैं और एक इसका ट्रायल लेते हैं, देखते हैं कैसी चल रही है, बढ़िया चल रही है, बेकार चल रही है, अच्छी चल रही है। बट यार लुकिंग वाइज है ना, इन्होंने है ना इसको कुछ भी कस्टमाइज़ नहीं करा रखा, नॉर्मली रखी हुई है और लुक से भी अच्छी लगती है, तो इसके मरघाट वगैरह और ये सब बढ़िया। तो अभी आते हैं मोसा जी बाहर और फिर लेते हैं बढ़िया सी राइड, और इतने में अपनी चाय वाय भी बन जाएगी, तो चाय भी पीते हैं, थोड़ा सा चाय पी के रिलैक्स करते हैं। ये कि भैया अपन पहुँच चुके हैं कहाँ, हन्नी भाई के पास। तो भैया ये बैठे हन्नी भैया, और हन्नी भैया कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया हैं। और कल मज़ा आया मैच देखने में? मज़ा तो यार नहीं आया था, मगर वो भीलवाड़ा जीतती तब मज़ा था यार। मज़ा तो हुआ था जब बाउंड्री छक्के चौके दिखते अपने अपने हमारी तरफ, वो एक आया था उस बेचारी की तो हवाई टाइट कर दी थी लोगों ने। तो मतलब मैच तो अच्छा था, ऐसी बात नहीं है, मैच तो अच्छा था, बट छक्का भी आया था एक बगल वाली स्टैंड के अंदर, बट उस बेचारे के साथ में जो सीन हुआ ना, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बेचारे को चारों तरफ से लात घुसे पड़ी, एक भी तरफ से नहीं, चारों तरफ से पड़ी थी। तो पुलिस वाले भागे इतने में तो छूट ही गया वो बेचारा है। तो भाई मैच तो खतरनाक हुआ था, और आज आपको दिखाता हूँ, आज मैं इसका भी ट्रीटमेंट कराया फाइनली,
तो ये जो घाव था ना इसमें कट लगवाना पड़ गया मेरे को, और ये हाथ के अंदर आज एक नई चोट और लग गई भैया, ये दिक्कत हो रही है। अब ये भाई साहब हाथ पैरों में खूब लग रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट जो भी है चलो ठीक है, छोटे में टल जाए बड़ी बात नहीं है, बढ़िया है, नहीं तो बड़े में टले तो फिर और बहुत दिक्कत है। ये तो सही रहा डॉक्टर ने बोला, अभी आ गए आप, थोड़ा सा और लेट आते ना फिर इसके लिए, फिर थोड़ा टाइम, मतलब जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अगर थोड़ा टाइम और लगाता ना तो वो दिक्कत देता, घाव मेरा बढ़ता नहीं। फिर उसके अंदर आज उसने सेफ्रामाइसिन वगैरह भरी है और थोड़ा सा उसको ट्रीट ठीक करा है, और बाकी अभी ये है तो उसको तो खुला ही रखने के लिए बोला तो अपन खुला ही रखेंगे। और अब मंदिर कितनी देर में चलना है? 5 मिनट में चलते हैं। 5 मिनट में चलते हैं, तो चल भाई 5 मिनट तेरा वेट कर लेते हैं। तो अब हन्नी की दुकान में से हम चिप्स वगैरह खाते हैं जब तक हन्नी नहीं चलता भाई, इन सब को प्रमोशन नहीं करते, कुछ खाते हैं और फिर मिलते हैं दोबारा। और बाहर का जो मौसम है ना, मतलब मौसम के लिए मैं नहीं बताऊंगा, हन्नी बताएगा कि बाहर मौसम कैसा हो रखा है। और भाई सीरियसली बताओ ना, मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बट हन्नी से पूछते पहले तो, हन्नी कैसा लग रहा है मौसम? ठंडा सा नहीं हो गया है भाई इतना? मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मौसम ठंडा तो हुआ ही हुआ, साथ में ये जो हवा चल रही है ना भाई, ठंडे का महसूस करवा रही है कि वाकई में ठंड आ चुकी है। मतलब लिटरली भाई ऐसी ठंडी हवा लग रही है ना कि मैं सीरियसली, मैंने हाफ स्लीव्स पहन रखी है, मेरे को ठंड लग रही है, मतलब ठंड सी लग रही है जब हवा चल रही है ना, जब वैसे नहीं लग रही, वैसे तो नॉर्मली है टेम्परेचर तो, बट यार क्या कहते, जैसे हवा चल रही है ना ठंडी ठंडी तब लग रहा है। बट हमारी एक ये गली है पतली गली भाई, इसमें हमेशा लाइट कम रहती है, पता नहीं क्या रीज़न है भाई, है आज तो है बट यार वैसे कम ही रहती है, बट पार्षद को बोल के ना वो लाइटें लगवानी पड़ेगी इस गली के अंदर, क्यों? बट इस गली के अंदर उल्टे काम भी बहुत होते हैं, लोग दारू भी पीते हैं, उल्टी सीधी हरकतें भी खूब करते हैं, गांजा वांजा सब काम चलता है यहाँ पे, है क्यों? पुलिस वाले उठा के भी ले जाते फिर वापस आके ही बैठ जाते हैं, कह रहा हूँ ना। तो भाई बगल में गार्डन है, मैरिज गार्डन, ये जो डंडा है ना ये मैरिज गार्डन है, और आज इसमें पार्टी चल रही है, चले गए नहीं तो जाओ, बिन बुलाए पार्टी में नहीं आता है, बिन बुलाए पार्टी में नहीं जाता मैं, नहीं वो दूसरे वाली पार्टी चल रही है ना यहाँ, अपने काम की चीज़ ही नहीं है भाई, यहाँ चल रही है दूसरी मुर्गा पार्टी चल रही है, अपन मुर्गा पार्टी वाले बंदे नहीं है और हम बिना बुलाए जाते नहीं है। बट हाँ अभी भाई इसी मंथ में शादी है हमारे, मतलब जानकार की, इसी गार्डन में, तो हमें तो जाना है, है जाना पड़ेगा, हाँ तो जाना तो पड़ेगा, वो तो है ही, मना थोड़ी कर रहा हूँ, तो जाएंगे यार हम जाएंगे, आपको बोल ही रहे हैं ये तो आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं ना भाई, आपसे पैसे पहले ले लिए, सामान आपको बाद में मिल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है यार, सामान भी तो टाइम से लेना चाहिए ना। तो भाई भैया क्या है न्यूरो के ओल्ड कस्टमर है, तो जब भी हम आते हैं ना शाम को हमारे को यही मिलते हैं, और भैया क्या करते हैं पहले ही पेमेंट कर देते हैं, वो स्कैनर लगा हुआ भाई, जिसको भी सामान चाहिए ना स्कैन कर दो, सामान आपको बाद में मिल जाएगा, सही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल बाद में मिल जाएगा। मौसम कैसा हो रखा भैया? ठंडा हो गया भाई आज, आप स्लीप में थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ठंडा ठंडा सा हो गया। तो भाई हन्नी ले आया सामान, भैया का सामान दो, और संडे का कुछ प्लान है क्या? संडे का करना है कुछ प्लान? संडे को 9 तारीख है ना, संडे को 2 तारीख है? नो, तो भजन संध्या है चलेगा? अरे जानकार के घर पे ये वो आ रहे हैं सिंगर्स वगैरह, अरे यार चलते हैं यार, भाई मैं अकेला पक जाऊंगा यार सुबह से, अभी तो हो रहा हूं, तू जाओ वहां पकने, अरे यार चलना यार थोड़ा सा तो साथ चल जाए करना यार, है मैं ही जाऊँ यार, तू जा, ये यार बेकार आदमी यार, ऐसे मत कर यार, चल चल यार चलना घूमने, तो चल चल, एक पानी की बोतल लिया, पानी को पिला दे जा, पानी बना, ब्लॉग बनाता हूँ भैया, आप भी आगे मेरे ब्लॉग में, ब्लॉग बनाता हूँ डेली ब्लॉग, इसको ना एक महीने से ये चीज़ ही याद है बस, और कुछ याद ही नहीं है। दिया वो डायलॉग भी याद रखना, 100 सुनार की 1 लोहार की, सुनार तू है वो लोहार है। समझ में नहीं आया क्या बोल रही है, ये हुआ मौसा दिया ना, ऐसे थोड़ी करते हैं।
मार लो, गिरोगे मरोगे। ये देख क्या चल रहा है, मुझे पैर चाहिए। गुड़िया हो तू, तो ये ना भाई एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे ना। जी आप नीचे करके लग जाएगा तेरे, आप बच के रहना, ये आपको शहीद कर देंगे। ऐसे लग रहा है आपस की लड़ाई में भाई, तो कोने पे नीचे भाई साहब। मैं भी बोल ही रहा था, अभी बोल ही रहा था मैं, मोसा जी बच के रहना, शहीद हो जाओगे। और देख लो माना नहीं ना कहना आपने, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, पीछे चल के मुंबली खा लो। क्या रहे तो भैया, अब है ना आज के ब्लॉग का भी एंड करते हैं। अभी भी खाइए ऋषभ ने दांत, और ये भग गया ना उधर, तो ये भग गए सारे के सारे उधर, क्योंकि अभी ऋषभ ने बढ़िया वाली डांट खाई है। क्योंकि उसने क्या करा, मैं यहाँ ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, उसको डांट रहा हूँ, इतने में उसने तकिया फेंक दिया कोई सीधा नीचे। तो डांट खाने वाले काम तो करेंगे ना यार, वही चीज़ है। तो अब इस ब्लॉग को अभी एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ऋषभ के ऊपर मुझे बेसिकली इतना गुस्सा आता नहीं, बट वो पहले भी 2-3 बार ऐसी हरकत कर चुका है यार। पहले भी 2-3 बार वो हाथ के अंदर ऐसे फ़ोन शूट कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, मैं उसको फेंक के मारा और फ़ोन नीचे, तो एक बार इसका ग्लास टूट गया, पहले भी ग्लास टूटा था यार। इसलिए यार रिस्क तो लगता ही यार, डर तो लगता है, कुछ डांटना भी जरूरी था, तो थोड़ा सा डांटा। और वो नाराज़ होकर चला गया, तो नाराज़ होने देते कोई बात नहीं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे अच्छे वीडियो के लिए, बाय बाय।